हेलो गाइस, मैं हूं आपको भाई करण कुमार। आज इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं, आपके पास जैसे कोई भी फ़ोन आता है, जैसे वो ऑन नहीं होता तो आप लोग उसे कैसे बनाओगे। देखो गाइस, आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर आप लोगों को फ़ोन को खोलना नहीं होगा। आप लोग गाइस मल्टीमीटर से चेक करके बता सकते हो क्या दिक्कत है और कस्टमर को आप लोग अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप लोग कोई भी फ़ोन को चेक नहीं कर पाओगे तो आप लोग उसे नहीं बना पाओगे। गाइस यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला हूँ। पहले मैंने कॉपी पर लिखा है गाइस, फिर उसी प्रकार हम लोग लाइव प्रैक्टिकल में करेंगे। कोई भी फ़ोन आता है गाइस, जैसे वो ऑन नहीं होता तो आप लोग उसे कैसे चेक करोगे और कस्टमर को आपको बताना इसमें क्या दिक्कत है। आप लोग बिना खोले फ़ोन को चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से गाइस, फ़ोन किन किन कारणों से ऑन नहीं होता यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया गाइस, डिटेल में बताया। जो भाई घर पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हो और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और आप लोगों से इतना कहूँगा, जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो हरदम देखने को मिलती रहेंगी। चलो गाइस, यहाँ पर आपको सिखाता हूँ कैसे आप लोग फ़ोन को ट्रेस करोगे, कैसे चेक करोगे मल्टीमीटर से फ़ोन में क्या दिक्कत है। तो गाइस आज इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाऊंगा, आपके पास जैसे कोई भी फ़ोन आता है, चाहे टच वाला हो चाहे कीपैड वाला हो, जैसे वो ऑन नहीं होते हैं तो गाइस आप लोग कैसे मल्टीमीटर से चेक करोगे, कैसे ट्रेस करोगे, इनमें क्या दिक्कत है। देखो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को फ़ोन को खोलना नहीं होगा, आप लोग सिर्फ मल्टीमीटर की मदद से गाइस पता कर सकते हो फ़ोन में क्या दिक्कत है और कस्टमर को आप लोग बता सकते हो, उसके हिसाब से आप लोग पैसे ले सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने कॉपी पर लिखा है फ़ोन किन किन कारणों से नहीं ऑन होते हैं। गाइस आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, जैसे वो ऑन नहीं होता है तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो, आप लोग सब कुछ सीख जाओगे फोन में क्या दिक्कत है और ये फोन क्यों नहीं ऑन हो रहा, सब कुछ यहाँ पर मैंने बताया। थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी इस, यहाँ पर देखो पहले मैंने कॉपी पे लिखा गाइस, यहाँ पर आपको 6 स्टेप को फॉलो करना गाइस। देखो आपको 1 से बढ़ना है और 6 स्टेप को फॉलो करना है, और इस प्रकार आप लोग करोगे ना जैसे मैंने कॉपी पे लिखा है गाइस, और उस प्रकार आप लोग भी करोगे, कोई भी फोन आता तो आप लोग उसे तुरंत बनाना सीख लोगे गाइस। और यहाँ पर मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, पहले मैं कॉपी पे बताऊंगा जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार इन फोन में रीडिंग आएगी जब हम लोग मल्टीमीटर से चेक करेंगे। और आप लोगों से इतना कहूँगा, जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चलो गाइस वीडियो करते हैं शुरू। अब गाइस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टेप में बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो पहले स्टेप पे मैंने क्या लिखा, जो फोन ऑन होता होगा जब आप लोग मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पर चेक करोगे वहां पर 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आए तो फोन सही है। देखो जब आप लोग मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पर चेक करोगे वहां पर 1 आए या 1000 से ऊपर रीडिंग आए तो आप लोग समझ लेना फोन सही है। और जब मल्टीमीटर की वायर, देखो जब आप लोग मल्टीमीटर की वायर बदल के चेक करोगे वहां पर 300 से 600 के बीच में रीडिंग आएगी तो 100% फोन ऑन होगा। देखो आप लोग समझ लो, अब यहाँ पर मैं आपको लाइव बताता हूँ। देखो आप लोगों के पास कोई भी मल्टीमीटर होना चाहिए, यहाँ पर देखो मेरे पास ये वाला मल्टीमीटर, आपके पास कोई भी मल्टीमीटर सेम रहेगी। अब यहाँ पर देखो अभी ये ऑफ है, इसकी स्विच घुमाकर आपको बजर मोड में सेट कर लेना, कंटिन्यूटी मोड में आपको सेट कर लेना। यहाँ पर देखो बीप के मोड में मैंने सेट कर लिया है। और देखो मल्टीमीटर की वायर कैसे लगाना, जहाँ पर लिखा रहेगा वी ओम एम ए यहाँ पर रेड, जहाँ पर कॉमन लिखा रहेगा ब्लैक, कोई भी मल्टीमीटर है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बार दोनों वायर को आपस में टच करके देख लेना, यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी। देखो गाइस इस प्रकार की आवाज़ आएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, जो फ़ोन ऑन होता होगा तो आप लोग कैसे चेक करोगे। देखो जो फ़ोन ऑन होता होगा जब आप लोग मल्टीमीटर से चेक करोगे बैटरी कनेक्टर पर वहाँ पर 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आएगी तो आप लोग समझ लेना फ़ोन सही। देखो अब हम लोग यहाँ पर एक अच्छा सा फ़ोन लेते हैं, यहाँ पर देखो ये मेरे पास कीपैड फ़ोन गाइस, ठीक है। ये ऑन कंडीशन में आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ, देखो ये ऑन कंडीशन में सेट, देखो ये ऑन है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसमें कितनी रीडिंग आएगी, चाहे कीपैड हो चाहे टच सेम रीडिंग आएगी गाइस। यहाँ पर देखो आप लोग देख लो, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी इतना बता सकता हूँ गाइस। यहाँ पर देखो ये हमारा बैटरी कनेक्टर, यहाँ पर देखो ये प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मल्टीमीटर का ये जो प्लस वाला पॉइंट है आपको बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पे लगाना है, जो मल्टीमीटर का ब्लैक वाला वायर है इसे आपको बैटरी कनेक्टर के माइनस पे लगाना है। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके हम लोग लगाएंगे मल्टीमीटर, आप लोग देखना कितनी रीडिंग आ रही। आप लोग यहाँ पर देख लो 1 आ रही है, जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं चित्र कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पर आपको दिखे, देखो 1 आ रही है। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया है, जब आप लोग मल्टीमीटर का रेड वाला वायर बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पे लगाओगे और मल्टीमीटर का माइनस वाला वायर आपको बैटरी कनेक्टर के माइनस पे लगाओगे तो यहाँ पर आपको 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए, जैसे फ़ोन सही होगा। यहाँ पर देखो बिल्कुल सही रीडिंग आ रही, 1 आ रही। अब हम लोग ये दोनों वायर को बदल के लगाएंगे, ठीक है, मतलब प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे, तो यहाँ पर कितनी रीडिंग आना चाहिए आप लोग देख लो, 300 से 600 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। अब यहाँ पर देखना आप लोग मल्टीमीटर में ध्यान देना गाइस, देखो मैं वायर बदल के लगा रहा हूँ प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे, और आप लोग यहाँ पर देख लो मल्टीमीटर में कितनी रीडिंग आ रही, 416। इसका मतलब गाइस बिल्कुल सही है, 300 से 600 के बीच में रीडिंग आ रही, ये फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। तो गाइस आप लोग इस प्रकार गाइस
देख सकते हो, जैसे आपके पास कोई भी फ़ोन आता है आप लोग पता कर सकते हो ये फ़ोन में क्या दिक्कत है, ऑन होगा या नहीं होगा। देखो इस प्रकार के फ़ोन आते हैं तो आप लोग समझ सकते हो ये फ़ोन हमारा सही है। होता क्या गाइस, देखो कस्टमर को पता नहीं रहता, जो इसकी बैटरी होती है डिस्चार्ज हो जाती है, उसके बाद गाइस कस्टमर आपके पास आ जाता है, तो आप लोग बैटरी दूसरी लगा के देख लेना, हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो पावर की होती है ये नहीं काम करती है, इस कारण कस्टमर आपके पास आता है। तो आप लोग इस प्रकार मल्टीमीटर से पता कर सकते हो ये फ़ोन हमारा ऑन है या इसमें प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको दिखा दिया। इसी प्रकार गाइस टच वाले फ़ोन में भी होता है, आपको एक बार चेक करके भी दिखा देना चाहता हूँ, मगर गाइस ये थोड़ा इसमें लेट में खुलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ा लेट में खुलेगा, यहाँ पर आप लोग देख लो ये देखो, क्योंकि इसमें खोलने में पहले हीट करना होगा, फिर इसका बैक पैनल खुलेंगे। एक है मेरे पास और टच वाला, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखो ये वाला, इसमें भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये आप लोग यही कहोगे करण भाई तुमने टच वाले में दिखाया ही नहीं, तो हम लोग फटाफट इसका खोल लेंगे गाइस। ये बैक पैनल ये मैंने खोल लिया है, ठीक है गाइस, बैक पैनल इसमें बाद में कस लूँगा। और देखो ये हमारा बैटरी कनेक्टर, ठीक है, ये देखो बैटरी कनेक्टर। अब यहाँ पर भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो गाइस यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं प्लस वाला प्लस पे लगाऊंगा, माइनस वाला माइनस पे लगाऊंगा, यहाँ पर देखना गाइस देखो कितनी रीडिंग आ रही है। आप लोग यहाँ पर देख लो, प्लस वाला प्लस पे मैंने लगाया, माइनस वाला माइनस पे लगाया है, और यहाँ पर देखो 1000 से ऊपर रीडिंग है, मतलब ये 1037 रीडिंग आ रही है, मतलब 1037 रीडिंग आ रही है, 1000 से ऊपर रीडिंग। अब हम लोग वायर बदल के लगाएंगे, यहाँ पर कितनी आना चाहिए, 300 से 600 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। देखो गाइस बिल्कुल सही रीडिंग आ रही है, आप लोग देख लो 300 से 600 के बीच में रीडिंग है। तो गाइस आप लोग इस प्रकार पता कर सकते हो हमारे फ़ोन में क्या दिक्कत है, ये ऑन होगा या नहीं होगा। कस्टमर को पता नहीं रहता बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, पावर की बटन काम नहीं करती, तो इस प्रकार आप लोग देख कर पता कर सकते हो फ़ोन में क्या दिक्कत। अब इसे हम लोग बाहर रख देंगे। अब गाइस यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे दूसरे स्टेप में, देखो दूसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर फुल शॉर्ट फ़ोन। देखो फुल शॉर्ट में होता क्या है गाइस, आप लोगों का फ़ोन ऑन नहीं होगा। अब यहाँ पर आप लोग चेक कैसे करोगे मल्टीमीटर से, पहले आप लोग यहाँ पे पढ़ लो समझ लो, फिर हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। देखो जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे बैटरी कनेक्टर पर, वहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी। जब आप लोग मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पर चेक करोगे, वहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी। चाहे आप वायर बदल के चेक करो, वहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी। इसे कहते हैं फुल शॉर्ट फ़ोन। देखो होता क्या है इस फुल शॉर्ट में, आपको समझाता हूँ सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो जब आप लोग बैटरी कनेक्टर पर चेक करोगे, यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास टच वाला फ़ोन है, यहाँ पर आप लोग जैसे चेक करोगे, यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पर प्लस वाला प्लस पर लगाओगे, माइनस वाला माइनस पर लगाओगे, इस प्रकार की आवाज़ आए तो गाइस आप लोग समझ लेना फ़ोन में फुल शॉर्टिंग है। चाहे आप लोग वायर बदल के चेक करो, इसी प्रकार की आवाज़ आएगी तो आप लोग समझ लेना फ़ोन में फुल शॉर्टिंग है, चाहे कीपैड फ़ोन हो चाहे टच वाला हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर भी आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कीपैड में, देखो जैसे आप लोग यहाँ पर चेक करोगे, और यहाँ पर देखो मैं बैटरी कनेक्टर पर चेक कर रहा हूँ, इस प्रकार की आवाज़ आए, चाहे आप लोग वायर बदल के चेक करो, चाहे जैसे चेक करो बीप की आवाज़ आए, तो आप लोग समझ लेना फ़ोन में फुल शॉर्टिंग। अब आपको बता देना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको कैपेसिटर डायोड को चेक करना, क्योंकि अधिकतर गाइस सबसे पहले कैपेसिटर डायोड खराब होते हैं फुल शॉर्टिंग में, कैपेसिटर डायोड खराब होते हैं। आपको नहीं पता है कैपेसिटर और डायोड की टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं मल्टीमीटर से गाइस, तो आप लोग कमेंट करना, मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले आपको वही चेक कर लेना है कैपेसिटर या डायोड, क्योंकि वही खराब होते हैं। बाद में फिर आपको आईसी पे जाना, सबसे लास्ट में आईसी खराब होती है गाइस, क्योंकि आईसी जल्दी से सॉल्ट नहीं होती है, इसे हम लोग कहते हैं फुल शॉर्टिंग, ठीक है। अभी से हम लोग बाहर रखेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे स्टेप में। देखो इस यहाँ पर तीसरे स्टेप में मैंने क्या लिखा है, देखो हाफ शॉर्टिंग, यहाँ पर देख लो हाफ शॉर्टिंग। अब हाफ शॉर्टिंग में आप लोग यहाँ पर पहले समझ लो, फिर हम लोग लाइव करेंगे। देखो जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे बैटरी कनेक्टर पर, वहाँ पर 1000 से कम रीडिंग आए। देखो जब आप लोग मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर पर चेक करोगे, वहाँ पर 1000 से कम रीडिंग आए, तो हाफ शॉर्टिंग है। चाहे आप वायर बदल के चेक करो, वहाँ पर 300 से 600 के बीच में रीडिंग आएगी। देखो जब आप लोग मल्टीमीटर से चेक करोगे बैटरी कनेक्टर पर, वहाँ पर 1000 से कम रीडिंग आए, तो हाफ शॉर्टिंग है। जब वायर बदल के चेक करोगे, वहाँ पर 300 से 600 के बीच में रीडिंग आएगी। क्योंकि गाइस देखो हाफ शॉर्टिंग में होता क्या, फ़ोन ऑन होगा, ठीक है, आप लोग समझ लो हाफ शॉर्टिंग में फ़ोन ऑन होगा, मगर गाइस फ़ोन की बैटरी ज़्यादा नहीं चलेगी, ये होता है गाइस। अब यहाँ पर देखो हाफ शॉर्टिंग में कैसे आप लोग चेक करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ये टच वाला फ़ोन है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि गाइस अभी मेरे पास हाफ शॉर्टिंग फ़ोन नहीं है। देखो यहाँ पर ये मेरे पास है, अब यहाँ पर देखो प्लस वाला प्लस के साथ लगाऊंगा, माइनस वाला माइनस के साथ लगाऊंगा, यहाँ पर देखना कितनी रीडिंग आएगी, 1000 से ऊपर रीडिंग आएगी। यहाँ पर देख लो गाइस, जैसे इस फोन में हाफ शॉर्टिंग होगी ना गाइस, यहाँ पर 600 आएगी, 700 आएगी, 900 आएगी, मतलब 1000 से कम रीडिंग आएगी।
जब आप लोग प्लस वाला प्लस के साथ लगाओगे, माइनस वाला माइनस के साथ लगाओगे, तो यहाँ पर 1000 से कम रीडिंग आ रही है, चाहे कीपैड फोन हो चाहे टच वाला हो, तो आप लोग समझ लेना फोन में हाफ सॉल्टिंग है। जब आप लोग वायर बदल के लगाओगे, यहाँ पर 300 से 600 के बीच में रीडिंग आएगी, क्योंकि इस हाफ सॉल्टिंग में होता है क्या, फोन ऑन होगा मगर फोन की बैटरी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। देखो गाइस, कैपेसिटर डायोड से प्रॉब्लम आती है। हाफ सॉल्टिंग में होता है क्या, कैपेसिटर डायोड से प्रॉब्लम आती है। पूरे यहाँ पर जो कैपेसिटर होते हैं, डायोड होते हैं, पूरे नहीं खराब होते, थोड़ा थोड़ा हीट होते हैं, उसका बैटरी खाते रहते हैं। और इसे कैसे हटाते हैं, हाफ सॉल्टिंग कैसे हटाते हैं, रिमूव करते हैं अपने फ़ोन से, तो गाइस आप लोग कमेंट करिए, मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ आप लोग बिना खोले फ़ोन को कैसे पता करोगे इस फ़ोन में क्या दिक्कत है, और उस प्रकार आप लोग कस्टमर को हैंडल कर सकते हो गाइस। तो इसे अब हम लोग बाहर रखेंगे गाइस। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप में। यहाँ पर देखो ये फोर्थ स्टेप में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख लो, जो फ़ोन ऑन नहीं होते, ये भी एक प्रकार का डेड फोन है। देखो जो फ़ोन ऑन नहीं होते हैं, अब यहाँ पर आप लोग देखो क्या मैंने लिखा, जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे बैटरी कनेक्टर पर, वहाँ पर कुछ भी रीडिंग ना आए, चाहे आप वायर बदल के चेक करो फिर भी कुछ भी रीडिंग नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम पावर आईसी से आती। आप लोग यहाँ पर समझ लो, एक तरह के ये भी फुल शॉर्ट फोन होते हैं, डेड होते हैं। जब आप लोग बैटरी कनेक्ट पे चेक करोगे, वहाँ पर कुछ भी रीडिंग ना आए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो जैसे वन ही रहे, देखो जैसे वन ही रहे, कुछ भी रीडिंग ना आए, चाहे आप लोग वायर बदल के चेक करो चाहे जैसे चेक करो, वहाँ पर कुछ भी रीडिंग ना आए, तो आप लोग समझ लेना ये प्रॉब्लम पावर आईसी से आती है और ये फ़ोन हमारा डेड है। तो आपको पावर आईसी पे काम करना है। यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे देखो कीपैड में ये पावर आईसी लगी है, यहाँ से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग चेक करेंगे ऐसे करके, यहाँ पर देखो ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर देखो रीडिंग आ रही है, और जो फ़ोन में डेड होगा मतलब कुछ भी रीडिंग ना आए, मतलब ऐसे हो, देखो ये वन है, जैसे वन ही रहे, चाहे आप लोग वायर बदल के चेक करो चाहे जैसे चेक करो, वन ही रहे, तो आप लोग समझ लेना ये फ़ोन हमारा डेड है। और प्रॉब्लम कहाँ से आती, पावर आईसी। तो आप लोग पावर आईसी पे एक बार हीट मार दीजिए, पेस्ट लगा के हिला दीजिए, फ़ोन ऑन हो जाएगा तो ठीक है, न हो तो आप लोग पावर आईसी को निकाल के रिबॉल करके लगा दीजिए, चाहे टच वाले फ़ोन में हो चाहे इसमें हो गई, ठीक है। तो इसे भी हम लोग बाहर रखेंगे। अब गाइस यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे फाइव स्टेप में। फाइव स्टेप में मैंने क्या लिखा, फुल डेड, ये भी एक प्रकार का डेड समस्या है, फ़ोन ऑन नहीं होते। इन कारणों से गाइस फ़ोन ऑन नहीं होते, यहाँ पर मैंने आपको 6 स्टेप लिख के बताया गाइस। आप लोग 6 स्टेप को फॉलो करोगे, कोई भी फ़ोन आएगा तो गाइस आप लोग उसे तुरंत बना लोगे। जब आप लोगों को समस्या पता होगी तो आप लोग फट से वहाँ पर काम करोगे, फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 स्टेप में मैंने क्या लिखा, जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे बैटरी कनेक्टर पर, वहाँ पर बराबर रीडिंग आए। देखो जब आप लोग मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्ट पर चेक करोगे, बराबर रीडिंग आए, आप लोग समझ लो बराबर रीडिंग आए, चाहे आप लोग वायर बदल के चेक करो, वहाँ पर बराबर ही रीडिंग आएगी, ये प्रॉब्लम पावर आईसी से आती है। ये भी प्रॉब्लम पावर आईसी से आती है। चलो यहाँ पर मैं आपको एक लाइव यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। ये फ़ोन है देखो मेरे पास, देखते हैं ये फ़ोन। तो अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, देखो गाइस, देखो यहाँ पर आप लोग देख लो कितनी रीडिंग आ रही, 72 आ रही। आप लोग देख लो 72 रीडिंग आ रही, 72। अब हम लोग वायर फिर से बदल के चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही। तो गाइस यहाँ पर भी आप लोग देख लो 72 रीडिंग आ रही। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो सेम रीडिंग आ रही, बराबर रीडिंग आ रही। यहाँ पर देखो जो मैंने लिखा है यहाँ पर बराबर रीडिंग आ रही, देखो यहाँ पर भी आप लोग देख लो 72 रीडिंग। अब हम लोग वायर बदल के लगाएंगे तो यहाँ पर भी 72 रीडिंग आएगी, देखो 72 आ रही। इसका मतलब गाइस ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही, देखो पावर आईसी से आ रही। तो आप लोगों को पता चल गया ये प्रॉब्लम कहाँ से, पावर आईसी पे से आ रही। तो आप लोग सीधा पावर आईसी पे हीट मारिए, थोड़ा हिला दीजिए, सही हो जाएगा तो ठीक, ना सही हो तो कैसे आप लोग पावर आईसी को रिवॉल्व करके दूसरी लगा दीजिए। इस प्रकार होता है गाइस, यहाँ पर देख लो आप लोगों के सामने है। अब गाइस यहाँ पर सबसे लास्ट वाला स्टेप है, यहाँ पर आप लोग समझ लो सबसे लास्ट वाला। कभी कभी फ़ोन में कोई भी सॉल्टिंग नहीं होती, कभी कभी फ़ोन में कोई भी सॉल्टिंग नहीं होती है और रीडिंग भी सही आती। कभी कभी होता है क्या, जब आप लोग मल्टीमीटर से चेक करते हो फोन में कोई भी सॉल्टिंग नहीं होती, रीडिंग भी सही आती, मगर गाइस फ़ोन ऑन क्यों नहीं होते हैं, यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो जैसे मेरे पास ये कहाँ गया, सैमसंग का फ़ोन, ये गाइस, जैसे मान लो मेरे पास ये सैमसंग का फ़ोन है, चाहे टच वाला हो गाइस चाहे कीपैड वाला हो, सेम रहेगा गाइस, आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो इसमें मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, इसमें सही रीडिंग आ रही, बिल्कुल सही रीडिंग, और कुछ भी सॉल्टिंग नहीं है, मगर गाइस ये फ़ोन ऑन क्यों नहीं होता। देखो हम लोग प्लस वाला प्लस के साथ लगाएंगे, माइनस वाला माइनस के साथ लगाएंगे, यहाँ पर 1 या 1000 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए। देखो गाइस बिल्कुल सही रीडिंग आ रही, 1000 से ऊपर रीडिंग है, 1160 है। अब हम लोग वायर बदल के लगाएंगे, यहाँ पर 300 से 600 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। देखो गाइस बिल्कुल रीडिंग सही आ रही, मगर गाइस ये फ़ोन हमारा ऑन क्यों नहीं होता। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो मान लो जैसे ये जो भी कस्टमर का फ़ोन है, मान लो इसकी बैटरी जैसे डेड हो जाती है, उनको पता नहीं रहता, सोचते फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो रहा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेना। यहाँ पर देखो मेरे पास ये
ERD की बैटरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो हम लोग मल्टीमीटर को DC 20 पे रखेंगे। यहाँ पर देखो ये मैंने DC 20 पे कर दिया है। अब यहाँ पर गाइस आपको बैटरी कनेक्टर के प्लस माइनस पे ऐसे करके टच करना, बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेना। देखो गाइस आप लोग देख सकते हो ये हमारी बैटरी डेड है, चार्ज नहीं गाइस, आप लोगों के सामने देखो यहाँ पर डेड है। इस प्रकार होता है गाइस। अब यहाँ पर आप लोगों को दूसरी बैटरी लगाना है। चलो यहाँ पर मैं कोई एक दूसरी बैटरी लगा लेता हूँ। पहले मैं बैटरी का वोल्टेज चेक करूँगा, एक ये बैटरी इसका वोल्टेज चेक करूँगा यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर देखो ये हमारी बैटरी चार्ज है और ये बैटरी से हमारा सेट ऑन हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें सॉल्टिंग नहीं है। तो देखते हैं, कभी कभी होता गाइस ऑन नहीं होता, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखो बैटरी नहीं चार्ज थी। तो यहाँ पर देखो मैंने पावर की को प्रेस किया, देखते हैं सेट ऑन होता है तो ठीक है। सब कुछ आज मैं आपको सिखा दूंगा, कोई भी फ़ोन आएगा आप लोग उसे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो क्या दिक्कत है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख लो अभी भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा क्योंकि इसमें देख लो कोई भी सॉल्टिंग नहीं है, मगर यहाँ पर देखो बैटरी इसकी नहीं चार्ज थी। अब गाइस यहाँ पर आपको दूसरे स्टेप में बढ़ना होगा। दूसरे स्टेप में करना क्या होगा, जो इसकी पावर की है गाइस यहाँ से भी प्रॉब्लम आ जाती है। और आपको एक बार चेक कर लेना जो बैटरी हो यहाँ पर जंग वंग तो नहीं लगी है, और यहाँ पर भी आप लोगों को देख लेना जंग वंग तो नहीं लगी गई। सबसे ये बेसिक है, पहले आप लोगों को ये चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जंग वंग नहीं लगी, देखो जैसे जंग लगी हो तो गाइस इस प्रकार का रेगमार आता है जो पंचन जल के सामान बनाते हैं। तो आप लोग उनके पास चले जाना और कह देना हमें रेगमार दे दीजिए, और ऐसे करके आप लोगों को काट लेना जैसे जंग लगी हो। तो आप लोगों को ऐसे करके यहाँ पर इसे क्लीन कर लेना। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा ये यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टर यहाँ पर भी हम लोग इसे साफ़ कर लेंगे ऐसे करके। ये कुछ बेसिक है, आप लोगों को ध्यान रखना है जैसे फ़ोन में कुछ भी सॉल्टिंग नहीं हो सबसे पहले आप लोगों को ये काम करना है। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको हर एक वीडियो में यही बताता हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को वीडियो लंबी मिलेगी, मगर गाइस यहाँ पर आपको नॉलेज से फुल वीडियो देखने को मिलेगी। और इस प्रकार आप लोगों को इसे भी साफ कर लेना है क्योंकि यहाँ पे जंग वंग लग जाती है। यहाँ पर देखो मैंने साफ कर लिया, फिर हम लोग एक बार सेट को ऑन करके देखेंगे। ये मैंने बैटरी कनेक्टर लगा दिया, मतलब बैटरी लगा दिया फोन पे। अब यहाँ पर पावर की को प्रेस करेंगे, ये मैंने पावर की को प्रेस किया। अभी भी गाइस आप लोग देख लो हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, होता क्या गाइस ये जो यहाँ पर पावर की होता है कभी कभी होता है क्या इसमें पानी चला जाता है, जंग लग जाता है, तो उस कारण हमारी जो पावर बटन होती काम नहीं करती है। तो चलो इसे भी हम लोग एक बार खोल के देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारा फ़ोन खुल चुका है, ये देखो गाइस। अब हम लोग इसका ये जो ऑन ऑफ वाला पत्ता है इसे हम लोग निकालेंगे। चाहे टच वाला फ़ोन हो आप लोगों को भी वही स्टेप करना है गाइस, यहाँ पर देख लो। और इसके जो बटन है बिल्कुल क्लीन है गाइस, कुछ भी मुझे वाटर वाटर नहीं दिख रहा, पानी नहीं दिख रहा गाइस। फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पर ऐसे करके स्क्रैच कर देंगे और फिर से हम लोग सेट को ऑन करके देखेंगे। ये मैंने लगा दिया गाइस यहाँ पर बैटरी या पावर की को फिर से हम लोग प्रेस करेंगे। मैं पावर की को प्रेस कर रहा हूँ। अभी भी गाइस आप लोग देख लो हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा, ठीक है गाइस। यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये जो पावर की है यहाँ पे आपको सप्लाई चेक कर लेना, क्योंकि गाइस कभी कभी ऐसा होता है जो पावर वाली बटन होती है जो इसमें सप्लाई आती है वो ब्रेक हो जाती है, उस कारण गाइस यहाँ पर हमारी पावर बटन काम नहीं करती। सप्लाई कैसे चेक करोगे, आप लोगों को मल्टीमीटर को यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड में सेट कर लेना, बजर के मोड में, बीप के मोड में कर लेना। यहाँ पर देखो मैंने कर लिया है। अब गाइस यहाँ पर आपको ये जो मल्टीमीटर का रेड वाला वायर है इसे आप लोगों को ग्राउंड कर देना है, कहीं पर भी आप लोग कर सकते हो जहाँ पर ग्राउंड हो। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ये देखो। अब आपको माइनस से चेक कर लेना गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने ग्राउंड कर दिया है रेड, ये देखो। इधर देखो प्लस वाले पे टच कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो रीडिंग आ रही है मल्टीमीटर में 1756 रीडिंग आ रही है। इसका मतलब प्लस वाले पॉइंट पर जो पावर वाली बटन इस पर सप्लाई आ रही है। अब हम लोग ये माइनस पे, ये भी ग्राउंड के साथ जुड़ा, सही है गाइस। यहाँ पर देखो इस प्रकार सप्लाई चेक करते हैं गाइस, यहाँ पर देखो सप्लाई में भी दिक्कत नहीं। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को ये निकालना है जो फ़ोन में कुछ भी सॉल्टिंग नहीं है, रीडिंग भी सही आ रही है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना, और कभी कभी आप लोगों को ये भी देख लेना जो बैटरी कनेक्टर है इसे भी आप लोगों को अच्छी तरह देख लेना यहाँ पर सॉल्टिंग है या नहीं, ओके गाइस। अब यहाँ पर देखो ये हमारी CPU होती है, पावर IC जिसे बोलते हैं, मगर इसमें CPU बोलते हैं। ये हमारी नेटवर्क IC है, क्रिस्टल है गाइस। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखो कैपेसिटर लगे हैं बड़े बड़े, सबसे पहले इनको आप लोगों को चेक कर लेना। कभी कभी होता क्या गाइस जो हमारे कैपेसिटर होते हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं। चलो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, मगर गाइस यहाँ पर बीप की आवाज़ नहीं आती, कुछ केस में होता है क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे कैपेसिटर लगा या नेटवर्क IC के पास लगा है तो यहाँ पर बीप की आवाज़ नहीं आएगी बैटरी कनेक्टर पर, क्योंकि नेटवर्क के आसपास जितने भी कैपेसिटर लगे होते गाइस ये अलग हिस्से में लगे होते हैं, यहाँ पर बीप की आवाज़ नहीं देगा। तो आप लोगों को ऐसे चेक कर लेना। चलो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप लोग कैपेसिटर कैसे चेक करोगे, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसे आप लोगों को अच्छी तरह दिखा।
यहाँ पर देखो मैंने जूम कर लिया। अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले डिस्प्ले शो होगी, यहाँ पर पहचान आप लोग पहले कर लो। ये हमारा कैपेसिटर हो जाएगा, ये कॉइल हो जाएगा, ये हमारा सीपीयू हो जाएगा मतलब पावर आईसी, और गाइस ये नेटवर्क आईसी हो जाएगी। और यहाँ पर डायोड गाइस यहाँ पर नहीं लगे और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे। अब चलो गाइस यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं इन कंपोनेंट को, कैसे चेक करते हैं कैपेसिटर को। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो मल्टीमीटर का रेड वाला वायर है इसे आप लोगों को ग्राउंड कर देना है, माइनस से आपको चेक कर लेना। पर आप लोग देखोगे जैसे कैपेसिटर लगा है जैसे ये अच्छा होगा, एक तरफ रीडिंग एक तरफ बीप की आवाज़ आएगा। देखो इधर गई आप लोग देख लो, इधर बीप की आवाज़ आ रही है आप लोग देख लो। यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह टच करेंगे, देखो इधर रीडिंग इधर देखेंगे बीप, देखो एक तरफ रीडिंग एक तरफ बीप की आवाज़ आए, तो आप लोग समझ लेना ये कैपेसिटर हमारा सही है। देखो ये सही है, कैसे एक तरफ रीडिंग दे रहा है एक तरफ बीप दे रहा है, और जो ख़राब होगा तो इस प्रकार की आवाज़ आएगी। चाहे आप लोग वायर बदल के चेक करो, चाहे जैसे अब हम लोग दूसरा यहाँ पे कैपेसिटर चेक करेंगे, ये लगा देखो ये जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा है यहाँ पर ये डैमेज है, देखो ये ख़राब है कैसे आप लोग देख लो, बीप की आवाज़ आ रही है ना, देखो इस प्रकार गई। दोनों तरफ से चेक करने पर यहाँ पर बीप दे रहा है गाइस, बीप नहीं देना चाहिए, एक तरफ से बीप देना चाहिए एक तरफ से रीडिंग देना चाहिए। और गाइस यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना फुल शॉर्ट फोन, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना फुल शॉर्ट फोन कैसे बनाते हैं, इसी प्रकार गाइस हम लोग चेक करते हैं कैपेसिटर, क्योंकि फुल शॉर्टिंग में कैपेसिटर खराब होते हैं, अधिकतर कैपेसिटर सबसे लास्ट में आईसी खराब होती है। तो यहाँ पर देखो कैपेसिटर, देखो बीप की आवाज़ आ रहा दोनों तरफ। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे ये वाले, देखो इधर रीडिंग इधर देखो बीप, इधर देखो रीडिंग इधर बीप। तो गाइस यहाँ पर देख लो ये हमारा कैपेसिटर यहाँ पे ख़राब दिख रहा है गाइस। अब हम लोग करेंगे क्या, इस कैपेसिटर को निकाल देंगे और गाइस यहाँ पर हम लोग दूसरा भी कैपेसिटर नहीं लगाएंगे और फिर से हम लोग फ़ोन को ऑन करके देखेंगे। इस प्रकार गाइस हम लोग फ़ोन से फुल शॉर्टिंग हटाते हैं। कभी कभी होता है गाइस, मान लो फोन में कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, फ़ोन ऑन नहीं होता, तो आप लोगों को कंपोनेंट जरूर चेक कर लेना। मैंने आपको बताया ना जो नेटवर्क के आसपास कैपेसिटर लगे रहते हैं गाइस वो शॉर्ट हो जाते हैं, मगर यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखेगी। इस प्रकार आपको चेक कर लेना, यहाँ पर देखो एक ये चेक करेंगे, देखो गाइस ये जो कैपेसिटर लगा है यही यहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है गाइस। देखो दोनों तरफ से चेक करने पर बीप की आवाज़ आ रही है। इस प्रकार गाइस हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इस कैपेसिटर को निकाल देंगे गाइस। फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा है, तो गाइस ये कैपेसिटर देखो यहाँ से मैं इसे निकाल रहा हूँ, ये मैंने निकाल दिया, आप लोग यहाँ पर देख लो मैंने निकाल दिया। अब गाइस यहाँ पर मैं दूसरा भी कैपेसिटर नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से सेट को ऑन करके देख लेना गाइस। चलो यहाँ पर हम लोग सेट को ऑन करके देख लेते हैं। ये देखो मैंने ये बैटरी लगा दिया, पावर की को प्रेस करेंगे, ये पावर की को प्रेस कर रहा हूँ गाइस, सेट ऑन हो जाना चाहिए गाइस। इसी प्रकार हम लोग फ़ोन से फुल शॉर्टिंग हटाते हैं, ऑन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं ऑन होगा तो गाइस हम लोग यहां पर अगले स्टेप में बढ़ेंगे। देखो अभी भी ऑन नहीं हो रहा गाइस, यहां पर देखो मैंने एक कैपेसिटर भी निकाल दिया है। और गाइस कोशिश करना जो भी कैपेसिटर आप लोग निकालो लगा देना, नहीं लगाना चाहते कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइस यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा। अब गाइस सबसे लास्ट में यहाँ पर देखो सी पी यू लगी है गाइस, यहाँ पर आपको पेस्ट लगा के SMD मशीन से हीट मारना गाइस। इस प्रकार गाइस आप लोग बना सकते हो फोन, कोई भी फोन आता है आप लोग मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो मैंने आपको 6 स्टेप बताया गाइस, आप लोग 6 स्टेप को देखते हुए गाइस और लाइव प्रैक्टिकल आप लोग करोगे, जैसे मैंने बताया कोई भी फोन आता है तो आप लोग उसे तुरंत बनाना सीख लोगे। और आप लोगों से इतना कहूँगा जो लोग अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय।